भारत में प्रारंभ हुआ हजारों वर्ष पूर्व इसे एका चतुरंगा इस प्रकार से कहा जाता था। और ये जब पूरे विश्व ने इसको जाना 15वीं शताब्दी के अंदर, जब भारत से ये पर्सिया में गया और पर्सिया से ये अरब के लोग इसे ले जाकर यूरोप के अंदर स्पेन में के इसको खेला जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे नॉर्थ यूरोप में होता हुआ, रशिया में होता हुआ ये पूरे विश्व में फैला। शतरंज का खेल दिमागी कसरत का एक बड़ा ही अभूतपूर्व और अद्वितीय खेल है। इसके अंतर्गत दिमाग स्ट्रेटेजी प्लानिंग ये सब करने के पश्चात दिमाग के सारे कलपुर्जे ठीक प्रकार से इसमें काम करने लग जाते हैं। शतरंज को बड़े बूढ़े बच्चे स्त्री पुरुष सभी बड़े आनंद के साथ खेलते हैं और सभी बड़ा आनंद लेते हैं। ये 64 खानों के ऊपर खेले जाने वाला खेल है, 8x8 के बोर्ड के ऊपर। इसमें एक तरफ 16 पीसेस और दूसरी तरफ 16 पीसेस होते हैं। इनके बीच का ये द्वंद्व होता है, युद्ध होता है, और इसमें राजा को चेकमेट राजा को मारना होता है। अब वो किस प्रकार से मारते हैं, इसके मोहरे किस प्रकार से चलते हैं, ये किस प्रकार से कैसलिंग की जाती है, अपने मोहरों को कैसे बचाया जाता है, किस मोहरे की कितनी वैल्यू होती है और कौन सा मोहरा कीमती होता है, कौन सा मोहरा कम कीमती होता है, और पैदल आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाती है, पैदल क्या पीछे भी चल सकती है क्या, और किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, किस प्रकार से प्लानिंग की जाती है, ये सारी बातें, ये छोटी छोटी बातें हम इस आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके मोहरों को किस प्रकार से चलते हैं ये हम सीखते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम सबसे पहले हमारे लिए सामने है किंग। इस प्रकार के चिन्ह को हम किंग के द्वारा जानते हैं, और किंग भारतीय पद्धति से जब शतरंज को खेलते हैं तो उसके अंदर हम किंग को राजा बोलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से खेलते हैं तो उसे हम किंग को किंग इसे किंग करके बोलते हैं। किंग राजा अपने चारों तरफ कहीं भी चल सकता है, परंतु वो चलता केवल एक कदम है, दाएं बाएं तिरछा डायगोनल रूप में वो कहीं भी एक कदम जा सकता है। इस प्रकार से राजा पूरे बोर्ड में कहीं भी जा सकता है, लेकिन सामने कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होना चाहिए, सामने कोई दूसरा मोहरा नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल राजा फ्रीली इस प्रकार से मूव कर सकता है। तो राजा का मूव सबसे ज्यादा स्वच्छंद होता है, कहीं भी फिरे कहीं भी जाए। राजा के बाद में तो दूसरा मोहरा आता है जिसे हम चलाना सीखते हैं, वो है क्वीन। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्वीन बोलते हैं उसे, और हमारे भारतीय पद्धति से जब इसको खेलते हैं तो उसे हम वजीर ऐसा करके बोलते हैं। इसका नोटेशन इस प्रकार का है, हम अभी इसको इस प्रकार के उसमें प्रदर्शित करेंगे। क्वीन क्वीन भी राजा की तरह चारों दिशाओं में चल सकती है, ये डायगोनल रूप में जा सकती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं तिरछे डायगोनल, लेकिन राजा एक घर चल सकता था, क्वीन कितने भी घर चल सकती है। ठीक है, तो क्वीन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं कि एक घर चले दो घर चले तीन घर चले, कितने भी चल सकती है उसके रास्ते में, लेकिन कोई ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए। जैसे इस पर सामने दिखाया गया एक ऑब्स्टिकल है राजा, तो ये उसके उंगाल के नहीं जा सकती, उसे बस वहाँ उंगाल के रास्ते में कोई नहीं हो तो वो सीधे सीधे चल के जा सकती है। इस प्रकार से वो तिरछा चल सकती है। क्वीन जैसे यहाँ से इस पर आना चाहे ब्लू पे, तो ब्लू पे नहीं आ सकती क्योंकि बीच में राजा है, उसे तिरछा चलना पड़ेगा, इस प्रकार से यहाँ आना पड़ेगा, उसके बाद में वो इस स्थान पे इस वाले स्क्वायर पे आ सकती है, इस वाले वर्ग पे आ सकती है। तो ये थी क्वीन की चालें, आप लोग प्रैक्टिस करिए। अब हम सीखते हैं क्वीन के पश्चात रुक की चालों का। रुक हाथी, हाथी को इस नोटेशन से बना बताते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे रुक, और हिंदी में बोलते हैं इसे हाथी। ये सीधा जैसे क्वीन तिरछा चल सकती थी विकर्ण पे भी, ये विकर्ण पे नहीं चलता, ये स्क्वायर में सीधा और बाएं दाएं चल सकता है, जो आपको दिखाया गया था अभी, सीधा चला जाएगा बाएं चला जाएगा, नीचे आ सकता है बाएं जा सकता है दाएं जा सकता है। ठीक है,
ये अपने पंक्ति में और स्तंभ में, ये आपके कॉलम में और रो में चल सकता है सीधा सीधा। आप हाथी को चलाने की प्रैक्टिस करिए। अब हाथी को चलाने की प्रैक्टिस करने के बाद में हम लोग, अब ये हाथी था, रुक, रुक के बाद में हम देखते हैं अब बिशप। इसे बिशप बोलते हैं हिंदी भाषा में, इसको ऊंट, भारतीय पद्धति से चेस खेलते हैं तो ऊंट बोलते हैं, और इंटरनेशनल पद्धति से खेलते हैं तो इसे हम बिशप बोलते हैं। तो बिशप का चलना सीखते हैं। बिशप जो हाथी चल रहा है जिस तरीके से, उसके अलावा जो वज्र चलता है वो बिशप चलता है, डायगोनल, तिरछा। ये सफेद घर पे रखा हुआ ऊंट है, सफेद घर पे ही चलेगा, एक घर भी चल सकता है ये, और एक से ज्यादा, ये अनेकों घर भी चल सकता है, कितनी दूर भी जा सकता है, परंतु ये सीधा नहीं चल सकता। ठीक है, तो तीर के निशान बने हुए ना इसमें रेड कलर से, वह उसी दिशा में जा सकता है। व्हाइट ऊंट है तो व्हाइट पे रहेगा, और इसी प्रकार से गहरे खाने का ऊंट है वो गहरे खाने पर रहेगा। हाँ, ऑब्स्टिकल आने पर, रास्ते में कोई दूसरा मोहरा आ जाए तो फिर ये उसको उंगाल नहीं सकता। हाँ, नहीं हो कोई मोहरा तो जा सकता है सीधा। दो आपको ऊंट मिलते हैं एक तरफ, एक होता है गहरे खाने पे रखा हुआ डार्क स्क्वायर का, एक होता है आपके लाइट स्क्वायर का। डार्क स्क्वायर का जो बिशप होता है वो डार्क स्क्वायर पे ही रहता है, वो कितनी भी दूर जा सकता है लेकिन रहेगा डार्क स्क्वायर पे। और एक व्हाइट स्क्वायर का जो बिशप है वो व्हाइट स्क्वायर पे रहेगा। डार्क स्क्वायर का बिशप एक घर चलने के बाद में डायगोनल रूप में सबसे दूर जा सकता है, सबसे बड़े डायगोनल को भी चल सकता है, लेकिन रहेगा अपने अपने जिस स्क्वायर का बिशप है उसी स्क्वायर के ऊपर रहने वाला है। आप स्क्वायर को चलाने की प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस इस तरह से दोनों स्क्वायर, दोनों बिशप को रख लीजिए और तिरछा तिरछा चलाकर इसकी प्रैक्टिस करिए। अब बिशप के बाद में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है, नाइट। वैल्यू तो इसकी आपके बिशप के बराबर है, लेकिन ये नाइट चलता बड़ा अजीबो गरीब तरीके से है। अंग्रेजी उसके पद्धति में खेलते हैं उसे नाइट बोलते हैं, और हिंदी पद्धति से खेलते हैं तो इसे घोड़ा बोलते हैं। तो घोड़ा ये 2.5 कदम चलता है, 1, 2, 2.5, अंग्रेजी का एल बनाता है। तो देखिए जहां रखा है ये इस प्रकार से एल बनाता है दोनों तरफ, ठीक है, इधर बाएं तरफ और ये दाहिनी तरफ, तो इस तरह से नीचे दाहिनी तरफ और नीचे बाएं तरफ, एल, 1, 2, 2.5 ऐसा करके इसको गिनते हैं। तो ये घोड़ा एक बार में 8 स्थानों पर चल सकता है इस प्रकार से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 स्थानों पे चल सकता है एक बार में। एक और बात है घोड़े की, बड़ी इंटरेस्टिंग, यदि बीच में कोई अन्य मोहरा आ जाए तो ये उसको उंगाल भी सकता है। तो इसके लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं होते, इसके लिए कोई रुकावट नहीं होती, ये किसी भी मोहरे को उंगाल के जा सकता है। तो ये घोड़े के साथ बड़ी अच्छी बात है। हम आगे जब आगे दूसरे वीडियो के अंदर देखेंगे कि घोड़ा स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इससे हम फोर्थ के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर नीले रंग से दिखाएंगे कि घोड़ा कहाँ कहाँ जा सकता है, 8 स्थानों पर घोड़ा जा सकता है, और घोड़ा उंगाल सकता है, घोड़ा 8 स्थानों पर जा सकता है। घोड़ा जाने के बाद में घोड़े की चाल अपोनेंट को दिखती भी नहीं है कि ये घोड़ा गिरने के बाद फिर कहाँ मार करने वाला है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा वेपन है दुश्मन के खेमे में जाकर वहां पे तोड़फोड़ मचाने के लिए। घोड़े की चालों को चल चल के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि घोड़े की चालों पे महारत हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चेस को आगे खेलना है और जीतना है उसके लिए। अब घोड़े के बाद में एक मोहरा आपका बच गया है, वो है पैदल, पौन। तो चलिए इस पौन को देख लेते हैं हम, ये है पौन आपका पैदल। इस पैदल को चलाने के लिए, ये पैदल चलता कैसे है, दो तरीके से है। हिंदी खेल के अंदर हिंदी पद्धति से यदि हम खेलते हैं भारतीय पद्धति से तो पैदल एक घर चलता है, और विदेशी पद्धति से खेलते हैं तो ये दो घर भी चल सकता है। ये दूसरे खाने में होता है पैदल, वैसे तो बहुत अकेला बहुत छोटा पीस है, ज्यादा कुछ मार चलने फिरने में इसको ज्यादा सुविधा भी नहीं है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है, लेकिन ये होते 8 हैं एक तरफ, दूसरी तरफ भी 8 होते हैं, और ये 8वें घर में पहुंचकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हम पौन जब प्रमोशन होगा तो सीखेंगे इसके नेक्स्ट, इसके तुरंत बाद ही। तो ये पौन बहुत ही इंटरेस्टिंगली है।
खतरनाक भी होता है और देखा जाए तो उसका कुछ विशेष वो भी नहीं है कि ये ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता, इसलिए बेचारा क्या मार करेगा। दो घर चल सकता है या एक घर चल सकता है, वो भी सीधा, लौट के नहीं आ सकता, उल्टा नहीं आता, ये चलता सीधा है, परंतु मार तिरछी करता है, सीधे नहीं मारता। इसके सामने कोई मोहरा रखा हो उसे नहीं पीट सकता, ये तिरछा पीट सकता है। और पहली बार में एक घर चला लो चाहे दो घर चला लो, इंटरनेशनल पद्धति से खेल में दो घर चल गया, या फिर एक घर भी चला सकते थे आप इसे। तो इस प्रकार से पैदल की चाल होती है और मारता ये तिरछा है। पीछे की तरफ नहीं आ सकता और सामने, अब एक बार दो घर चल गया ना तो दो घर अब नहीं चल सकता। इस प्रकार से देखिए, यहां से पीछे नहीं आ सकता और यहां से ऊपर ही दो घर मार नहीं कर सकता ये, ठीक है। हाँ, अब ये तिरछा मार, सामने नहीं मारता, पीछे नहीं चल सकता, चल नहीं सकता, मार भी नहीं सकता, लेकिन तिरछा मार सकता है ये। यहां से ये ऊंट को, ये हाथी को भी खा सकता है और यहां से घोड़े को भी खा सकता है। तो कैप्चर ये तिरछा करता है, चलता है बिल्कुल सीधे है। हम आमने सामने दो पैदल हैं, दोनों को देखते हैं। इसने दो घर चला, ब्लैक ने एक घर ही चला। तो आप चाहें तो एक घर चलें, चाहें तो आप दो घर चलें। फिर व्हाइट ने एक घर चला, आप दोनों रुक गए। ब्लैक व्हाइट को नहीं मार सकता क्योंकि तिरछा मारता है ना। ये वाला पीस चल नहीं सकता क्योंकि इसके आगे दूसरा मोहरा आ चुका है। ये चल सकता है एक घर, तो ये चल लेगा। लेकिन जब ये एक घर चलेगा तो फिर ब्लैक नहीं चल पाएगा बिल्कुल भी, ब्लैक को रोक देगा ये आगे बढ़ने से। अब ब्लैक मूव नहीं कर सकता, तो दोनों दोनों पैदलें रुक गई हैं। पैदल यदि आगे चलते चलते एकदम आठवें घर में पहुंच जाए तो क्या होगा? पॉन प्रमोशन। अब हम पॉन प्रमोशन को समझते हैं। यदि आठवें घर में पहुंच जाती है पैदल तो क्या होगा? जैसे ये पैदल है, ये सातवें घर पे है, ये व्हाइट की पैदल थी, यहां से चलना प्रारंभ किया, चलते 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 यहां तक पहुंच गई। अब यदि यहां पहुंचे तो क्या होगा? यदि यहां पहुंचेगी तो पैदल बन जाएगी कुछ भी जो आप चाहोगे। आप पैदल के बदले में क्वीन, नाइट, बिशप, रुक कुछ भी मांग सकते हो, किंग को छोड़कर। ऑब्वियसली किंग तो हो गई, किंग मर गया तो आपका खेल ही खत्म हो गया। पॉन यहां पहुंच गई है, एक क्वीन आपके पास पहले से है। यदि यह पहुंच गई और आपने क्वीन मांग ली तो मांग सकते हो, दो क्वीन भी हो सकती है आपके पास, तीन नाइट हो सकते हैं, तीन बिशप हो सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हो आप, ठीक है। और दो क्वीन हो गई तो आप बड़े पावरफुल हो गए आपका, ठीक है। तो ब्लैक पहुंचती है आठवें घर में तो ब्लैक मांग सकते हो, और व्हाइट पहुंचती है तो व्हाइट कर सकते हो। तो पॉन प्रमोशन है। चलिए अब हम इन मोहरों को, जो सारे मोहरे हमने अभी देखे, इन सारे मोहरों को हम जमाना सीखते हैं बोर्ड के ऊपर। कहाँ जम कैसे जमाते हैं, कहाँ रखते हैं? तो जमाना सीखने के लिए सबसे पहला काम हम करें बोर्ड के ऊपर, बोर्ड को हम रखना सीखें। कैसे रखा जाएगा? बोर्ड को जब बिछाते हैं तो दाहिनी तरफ जो ये दिखाई गया ना आपको ब्लू कलर में व्हाइट स्क्वायर है, ये व्हाइट स्क्वायर राइट में होना चाहिए। आपने यदि इसको तिरछा करके रख दिया तो आपका वो डार्क स्क्वायर राइट में नहीं आना चाहिए, व्हाइट स्क्वायर राइट में आना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, व्हाइट स्क्वायर राइट में आएगा, दूसरे में, दूसरे खाने में और सातवें खाने में आपको केवल पैदल रखनी है। तीर कंडीशन दिखाया गया ना, दूसरा खाना इसमें पैदल जमा दीजिए सारी, और वहां पर पैदल जमा दीजिए दूसरे मोरे। यहाँ व्हाइट जमाते हैं और वहां पर हम डार्क की जमाते हैं। तो जिधर की तरफ व्हाइट स्क्वायर है राइट साइड में, वहां पे व्हाइट पीसे जमाएंगे, और जिधर के सर और उधर सातवें रैंक में ब्लैक पॉन जमाएंगे। अब दोनों कोनों पर आप रुक रख दीजिए, हाथी रख दीजिए, फिर उनके जस्ट पास में आप घोड़े रख दीजिए। दोनों तरफ देखिए, हाथी के सामने हाथी हैं और घोड़ों के सामने घोड़े रहेंगे। घोड़ों के पास में फिर आप बिशप या ऊंट रख सकते हैं। तो बिशप, अब बच गए दो खाने नीचे और दो खाने ऊपर, जिनमें क्वीन और किंग आएगा। क्वीन कहाँ आएगी? व्हाइट क्वीन व्हाइट पे, और ब्लैक क्वीन ब्लैक पे आएगी। डार्क क्वीन डार्क पे और व्हाइट क्वीन व्हाइट पे। तो व्हाइट क्वीन लेफ्ट साइड आ जाएगी और ब्लैक क्वीन राइट साइड आ जाएगी उधर की तरफ से। यहाँ व्हाइट क्वीन
और इसके बिल्कुल सामने ब्लैक क्वीन। अब जो बच गया खाना, एक एक बच गया, वहां पे किंग आ जाएगा। इस प्रकार से हम पीसेस को सेट करते हैं। आप इसे हटाइए, अपने बोर्ड के ऊपर पीसेस को जमाइए, फिर हटाइए, फिर जमाइए, ऐसा ऐसा करके आप इन पीसेस को जमाने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इनको ढंग से देख लीजिए। इसी प्रकार जमा के हम खेल को प्रारंभ करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पीस को जमाना हमने सीख लिया। अब एक और पॉन को कैप्चर करना, और पॉन कैप्चर करना सीखा था हमने। पॉन तिरछा कैप्चर करती है, तिरछा खाती है ना, तिरछा मार करती है। अब ध्यान दो, ये वाली पॉन है, ये पॉन दो घर आगे बढ़ना चाहती है। जब ये एक घर आगे बढ़ती, इंडियन सिस्टम के अनुसार खेलते हैं हम, और एक घर ही आगे बढ़ती, तो वो ब्लैक पॉन इसको तिरछा मार सकती थी ना, यहाँ पर है ना, ये वाली ब्लैक पॉन इसको मार सकती थी ना। लेकिन इंटरनेशनल खेल में ये दो घर आगे बढ़ सकती है, ठीक है, और दोनों पैदल उसको मारने की जगह से होके जा रही है ये। तो जब ये दो घर आगे जाएगी तो इसको यहां पर वो ब्लैक मार भी सकती है। इसे बोलते हैं एन पेसेंट। कैसे होता है चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम देखने के लिए इनको अलग से हम एक बार इनको जमा लेते हैं कहीं और फिर कुछ समझते हैं इसको ढंग से। फिर बाद में यहीं पे आके हम दोबारा से इस पोंग को चलाकर और किस प्रकार से मार करती है ये हम सीखते हैं। चलिए ठीक है, अब ये वाली पैदल इसको मार सकती थी। चलिए पहले इसको सीख ले, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देखो, ये वाइट पैदल इसको मार सकती थी यदि एक घर बढ़े तो, लेकिन वो एक घर नहीं बढ़ती, बचना चाहती है, वो दो घर बढ़ गई। अब चाहे तो वाइट पैदल इसको मारे, चाहे तो ना मारे, सीधे जा सकती है और मार भी सकती है। मारेगी तो एन पेसेंट कहलाएगा। इसने इसको मारा, वाइट पैदल वहां चली गई और इस पैदल को उठा लिया, राइट। देखिए फिर देखिए, ब्लैक पॉन दो घर चली, वाइट पॉन ने इसको एन पेसेंट करके मार दिया इस प्रकार से, और ये वाइट ब्लैक वाली पॉन को हटा लिया, ये एन पेसेंट। अब वापस उसी जगह आते हैं हम। अब देखो दोबारा से ही चलता है, वाइट पॉन चलती है दो घर, जैसे चलती है तो अब आप ब्लैक से इस प्रकार से उठा सकते हैं उसे, राइट, इधर वाली पैदल से चाहे उधर वाली पैदल से। एंड पेसेंट हमने सीखा। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेस का मूव है, उस चेस के मूव को हम खेलना सीखते हैं। वो हमारी चेस प्ले के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और राजा को किलेबंदी कराता है। कैसलिंग, कैशल का अर्थ होता है हिंदी में किला बनाना, कैसलिंग किलेबंदी, राजा को किले में रख दो। राजा को किले में रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राजा और हाथी के बीच में कोई भी मोहरा नहीं होना चाहिए। जब राजा और हाथी के बीच में कोई मोहरा नहीं होता, मतलब ऊंट और घोड़े को आप मूव कर दीजिए, निकाल दीजिए, वहां चला लीजिए, ठीक है, और राजा कोई भी मूव चलावा नहीं होना चाहिए, राजा पर कोई चेक लगावा उस वक्त नहीं होना चाहिए, राजा हिलावा नहीं होना चाहिए, और राजा और हाथी के बीच में कोई मार लगती भी नहीं होनी चाहिए। चेक लगना किसे बोलते हैं यह अभी हम सीखने वाले हैं। चलिए देखिए, यह राजा और हाथी के बीच में कुछ नहीं है, राजा इधर दो कदम चल सकता है और इधर भी दो कदम चल सकता है, और हाथी उठ के उसको जंप लगा के ऊपर से इधर आ सकता है, इसे बोलते हैं हम कैसलिंग। जैसे राजा दो कदम चला और हाथी इधर आ गया, ऊपर देखिए ब्लैक में भी ऐसा ही किया उसने, राजा दो कदम चला, हाथी जंप लगा के ऊपर से इधर आ गया, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम कैसलिंग। कैसलिंग की नोटेशन भी अभी हम देखेंगे, और चेस की लैंग्वेज और बाकी चीजों की नोटेशन भी हम देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। राजा को उठाया, दो कदम चला, हाथी को उठाया, इधर चला, ये लॉन्ग कैसलिंग कहलाती है, लॉन्ग कैसलिंग। और राजा को दो कदम ही चले हम, जैसे ब्लैक को देखिए ऊपर दिखा रहे हैं, और हाथी भी दो कदम ही चले शॉर्ट साइड तरफ, इसे कहते हैं हम शॉर्ट कैसलिंग, ठीक है। लॉन्ग कैसलिंग भी कर सकते हैं और शॉर्ट कैसलिंग भी कर सकते हैं, और तीन तीन पैदल से ये सुरक्षित हो जाते हैं। अब देखिए कि हम कैसलिंग किन किन स्थितियों में नहीं कर सकते। यहां देखिए, राजा को चेक लग रहा है इस वक्त, चेक मतलब ये क्वीन की मार से मर रहा था, ये दूसरे क्वीन बीच में डाल दी तो अब क्वीन के मार से बच गया, अब कैसलिंग आप कर सकते हो अगले मूव में, लेकिन वो क्वीन से क्वीन मार देगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो राजा पे जब चेक लग रहा हो, राजा जब किसी से मार खाने वाला हो, मतलब कोई राजा को मारने के लिए थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उस पोजीशन में आप कैसलिंग नहीं कर सकते। पहले आप बचिए उस चेक से,
यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, काला ऊंट राजा और हाथी के बीच में मार कर रहा है, और काली वजीर काला क्वीन इस वाले हाथी बाई तरफ वाले और राजा के बीच में मार कर रहा है। तो इस वक्त राजा न तो शॉर्ट कैसलिंग कर सकता है वाइट राजा, और न ये लॉन्ग कैसलिंग कर सकता है, क्योंकि शॉर्ट कैसलिंग करेगा तो ये बिशप के मार्क के ऊपर से होके जाएगा, राइट। और जब ये लॉन्ग कैसलिंग करेगा तो इधर ये क्वीन की मार्क के ऊपर जाएगा इस तरह से, तो ये दोनों ही कैसलिंग नहीं कर सकता, ठीक है। अब कैसलिंग करना क्यों आवश्यक है, देखिए अभी हम कैसलिंग ये इस तरह से मोहरे जमे हुए, पैदल चलाई उसने, पैदल चलाई उसने, घोड़ा निकाला उसने, घोड़ा निकाला, ऊँट निकाला है। अब ये व्हाइट वाला अपने घोड़े को भी निकाले तो भी अगले मूव में कैसलिंग कर सकता है, उसने अपना ऊँट निकाला, अब व्हाइट ने इधर कैसलिंग कर ली छोटी वाली शॉर्ट कैसलिंग, और उधर ब्लैक ने भी कर ली, राइट। राजा शॉर्ट कैसलिंग करा, उसने कैसलिंग कर ली, है ना, दोबारा देख लीजिए एक बार। यदि राजा हिला हुआ हो, कहीं हिल जाए, जैसे यहाँ पे हिल गया ना, कि अपने जगह से हटके दूसरी जगह चला गया, तो ये अब वापिस अपनी जगह आ जाए तो भी कैसलिंग नहीं कर सकता, इसने अपने स्थान को एक बार छोड़ दिया है, तो इसलिए कैसलिंग करने के ये उससे अब पात्र नहीं रहा, ये वापिस अपने स्थान पर आ जाए तो भी कैसलिंग नहीं कर सकता। हाथी इधर आया तो इसको हम O-O ऐसा करके हम लिखते हैं, और यदि हम लॉन्ग कैसलिंग करें जिसे ब्लैक की तरफ दिखा रहे हैं अभी आपको, राजा दो घर चलेगा बाई तरफ और हाथी उसके ऊपर जंप लगाई जाएगा, इसे O-O, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, राइट। एक बार और देख लीजिए, शॉर्ट कैसलिंग में O-O, दो घर चला राजा दाई तरफ, हाथी उठ के जंप लगा के इधर आया, और लॉन्ग कैसलिंग में दो घर चला राजा और हाथी जंप लगा के इधर आया, तो वो O-O, इसने दो खानों को जंप लगाया हाथी ने, तो तीन खानों पे जंप लगाया हाथी ने, इसलिए O-O, ऐसे करके तीन बार हम लिखकर इसको नोटिस इसको इस बात को कहते हैं। कैसलिंग के बाद में अब आते हैं हम चेक, जिसका हम जिक्र कर रहे थे ना, चेक लगाओ, तो चेक लगाना किसे बोलते हैं, चेक होता है कि जांच लो, आपका राजा मरने वाला है, जांच लो, सावधान, राजा को मारने वाला हूं, तो चेक मतलब सावधान, राजा मरने वाला है, अब आप राजा को बचाओ, अब आप कुछ और मूव नहीं चल सकते, अगले मूव में राजा को मारूंगा मैं, तो राजा को ही चलना है। यहां ऊंट आया, अब ऊंट की मार राजा पे गई, तो ये कहलाएगा राजा को चेक दिया, राजा सावधान। और चेक को हम लिखते हैं कैसे, प्लस लगा के, छोटा प्लस लगा के हम चेक को लिखते हैं, ठीक है। ऊंट आपका बिशप राजा को मार कर रहा है, और बताना पड़ता है इसमें कि चेक लग रहा है, जिस पोजिशन में चेक लग रहा है उस पोजिशन में आप कुछ और मूव नहीं चल सकते हो। अब देखो हाथी ने इस वाइट राजा को चेक दिया, अब राजा को बचना पड़ेगा, चेक से हटना पड़ेगा, राजा को हम नीचे लेके आइए। यहां देखिए आपका घोड़ा ब्लैक पैदल से मरने वाला है, चाल वाइट की है, तो और हाथी घोड़े को हटाइए वहां से, और इसने घोड़े को उठा के एल बनाते हुए सामने उससे पैदल की उधर रख दिया, ठीक है। अब घोड़े को उठाया और एल बनाते हुए रखा और राजा पे चेक दे दिया, अब इस वक्त क्या, राजा पे चेक लग गया, घोड़ा राजा को मारने वाला है, राजा को हिलाना पड़ेगा, ये हुआ चेक, मतलब अगले मूव में मैं आपके राजा को मारने वाला हूं, अब राजा को बचाइए, राजा को हटाइए, राइट। तो इस प्रकार से हम राजा के ऊपर चेक लगा सकते हैं। नोटेशन है, राजा को चेक दिया घोड़े ने, Ng6, नाइट उठ के G6 पे गया और राजा को चेक लगा, तो चेक लगता है तो उसको प्लस से प्रेस करते हैं, केवल प्लस पे ध्यान देना आप, चेक लग रहा है, राजा को चेक दे रहा है ये घोड़ा, तो फिर यहाँ पे आगे आपको क्या करना पड़ेगा, ये Ng6 है इसको समझाया गया, लेकिन प्लस को ध्यान रखो बस, आप Ng6 कहाँ से आया, Ng6 कहाँ से आया, ये अभी हम सीखेंगे। प्लस प्लस का मतलब राजा को चेक लग रहा है। अभी हमने दो नोटेशन सीखे हैं, एक नोटेशन सीखा हमने कैसलिंग वाला O-O, O-O, और एक O-O। अभी हमने प्लस का नोटेशन सीखा, प्लस का मतलब होता है चेक देना, प्लस का मतलब आप राजा को सावधान, राजा आपको मरने वाला है, राइट।
चेक की प्रैक्टिस कीजिए आप। अभी हम अब इसके बाद में हम शतरंज के जो नोटेशंस हैं, लैंग्वेज है शतरंज की और कैप्चरिंग की और चेस की जो नोटेशंस है, लैंग्वेज है, उसको हम सीखते हैं। अब ध्यान दो सब इसको, सब चेस बोर्ड के ऊपर, चेस बोर्ड के ऊपर ये नोटेशंस है, नाइट F3 D5 दूसरे नंबर पे, G3 नाइट F6 तीसरे नंबर पे, BG2 E6 चौथे नंबर पे, ODSO BE7 पांचवे नंबर पे, D3 B6। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले फर्स्ट मूव व्हाइट ने चला नाइट F3, ब्लैक ने चला D5, दूसरा मूव नाइट इसने व्हाइट ने चला G3 और फिर ब्लैक ने चला नाइट F6, तीसरा मूव व्हाइट ने चला G2, ब्लैक ने चला E6, फिर चौथा मूव इस प्रकार से पांचवा मूव। ठीक है, ये है क्या, क्या मतलब है N का, क्या मतलब है F का, ये हम सीखते हैं। ठीक है, यहां से A से BCDEFH और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हुए, ये व्हाइट की तरफ से नीचे की तरफ, व्हाइट जिधर व्हाइट के मोहरे होते हैं ना उधर से काउंट किए जाते हैं, व्हाइट की तरफ से ABCD काउंट करते हैं बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो आपके पंक्तियां हैं ना, रोज हैं, ये कहलाती है रैक्स, और जो आपके स्तंभ है खड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन ये कहलाते हैं आपके स्तंभ, कहलाते हैं आपके फाइल्स, ये रैक्स फाइल्स। तो रैक्स कितनी है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रैक्स हैं। फाइल्स कितनी है, वो भी 8 है, ए फाइल, बी फाइल, सी फाइल, डी फाइल, ई फाइल, एफ जी एच, ए फाइल्स है, राइट, ए फाइल है, इधर ये रैक है, 1 रैक। अब हम इन खानों के नाम देते हैं, ये वाला खाने का नाम देते हैं, ये जो रेड खाना ए है, 1 है, A1 खाना। इस खाने का नाम, ये ई पे है या 4 पे है, तो E4। तो हर खाना, हर स्क्वायर का अपना एक अलग नाम है, ये A1 से लेकर, और ये लास्ट वाला खाना क्या हुआ, H8। तो A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, ऐसे करके हर स्क्वायर का नाम है, हर स्क्वायर का कोई ना कोई नाम है। तो इसमें 64 स्क्वायर है, 64 स्क्वायर के अलग अलग नाम है, किसी भी स्क्वायर का नाम, इसका नाम G2, इसका नाम B7, इसका नाम H8, ये आपका किंग रखा हुआ है E1 पे, ये किंग रखा हुआ है E8 पे। ठीक है, इस प्रकार से हर खाने का अपना अपना नाम है। किंग को के कैपिटल के से, जो खाने तो सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए थे और ये जो पीसेस हैं इन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, किंग को के कैपिटल के। अब ये किंग मान लो यहां से उठ के यहां आना चाहता है, तो किंग आना चाहता है E2 स्क्वायर पे, तो किंग E2, ये मूव चल दिया उसने, जब मूव चले किंग यहां से उठ के वहां जाए तो इसे बोलेंगे किंग E2, ये वाला मूव किंग E2 कहलाएगा, राइट। ये किंग यहां से उठ के यहां आना चाहता है, ये कहां जाना चाहता है, D7 पे जाना चाहता है, किंग कहां गया, D7 पे गया, तो आएगा कैपिटल के D7, इस मूव को बोलेंगे कैपिटल के स्मॉल D7। ये रुक है R, कैपिटल R से, क्वीन को कैपिटल Q से करते हैं, बिशप को कैपिटल B से डिनोट करते हैं, नाइट को, नाइट की स्पेलिंग KNIGHT होती है, लेकिन के से इसको डिनोट नहीं करते क्योंकि के से तो अब किंग को कर चुके हो ना, इसलिए नाइट को हम कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अभी नाइट यहां से उठ के कहां गया, E6 पे गया, तो नाइट E6। ठीक है, पॉन,
पॉन के लिए कैपिटल पी का प्रयोग करते ही नहीं है, पॉन हमेशा साइलेंट रहता है, मतलब पॉन के लिए कुछ भी उपयोग नहीं करते, पॉन यहाँ पे रखा हुआ है। अब पॉन जहां जाएगा ना खाली होता लिख दो, ये यहाँ पे गया तो कहाँ पे गया, ई फोर पे गया, तो खाली ई फोर लिखेंगे तो पता लग जाएगा कौन गया जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। अब ई फोर पे कौन आया, कौन आया, पी, पी लिखा ही नहीं है, साइलेंट है वो, तो पी आया। कैप्चर करने के लिए क्या लिखते हैं, कैप्चर करने के लिए आप कैप्चरिंग देखो, पहले पहले कैप्चरिंग समझ लेते हैं। इसने हाथी ने हाथी के रास्ते में व्हाइट की चाल थी, इसे चला उसने और क्वीन था, क्वीन को मार लिया। मारना कैप्चर करना, खुद बैठ गया वहां पर और उसको उठा लिया, बोर्ड से हटा के बाहर रख दिया पीस को। यहां पे ये क्वीन है, ये क्वीन इस पैदल को कैप्चर कर लेती, पैदल को उठा के बाहर रख दिया बोर्ड से। लेकिन क्वीन कहां पहुंच गई, जहां उसे घोड़े की मार आ रही थी, उस घोड़े से उसने क्वीन को कैप्चर कर लिया। क्वीन इस पैदल को कैप्चर कर सकती है ना, और लेकिन यहां पे खतरा है, इसे खतरा यह है कि वो राजा कैप्चर कर लेता है, इसलिए वो ऊपर जाके चेक दे देगी तो राजा ही मर जाएगा। क्वीन ने क्वीन को कैप्चर किया, राजा को चेक भी लगी, राजा हट गया उधर से पैदल से कैप्चर करके उसने क्वीन बना ली। यहां क्वीन से क्वीन कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, यदि व्हाइट की चाल है तो वो क्वीन को कैप्चर कर सकते हैं, और ब्लैक की चाल है तो ब्लैक वाला व्हाइट की क्वीन को कैप्चर कर सकते हैं। कैसे इसको लिखते हैं, कैसे, क्वीन क्रॉस कहां पर है वो वाली क्वीन, E6 पे है, तो क्वीन क्रॉस E6, खाली क्वीन क्यू E6 लिखते तो क्वीन E6 पे चली गई, लेकिन एक्स का चिन्ह लगा दिया ना, एक्स लगाने से पता लग गया इसने किसी ने किसी को काट वहां पे मारा है, तो क्यू क्रॉस E6 क्वीन है, किसी को मारा है, E6 पे जाके बैठ गई है। फिर क्वीन क्रॉस E6, ठीक। अब देखो यहां पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पॉन है जो सातवें घर बैठी है B7 पे, ये उस रुक को मार सकती है, व्हाइट का मूव है, और रुक का है A8 पे है, तो हम केवल A8 लिखेंगे, तो A8 पे कौन आया, जो B पे था वो A8 पे गया, तो B8, और B के बाद में A पे कुछ मारा भी तो उसने, तो B क्रॉस A8 लिखने से पता लग जाएगा कि इस B पे जो पॉन थी उसने A8 पे मारा, B के आगे क्योंकि हमने कैपिटल में तो कुछ लिखा नहीं है तो पॉन नहीं मारा है, तो B क्रॉस A8, तो उसने ये और मार के क्या बन गया, क्वीन बन गया, तो बी क्रॉस एक्स A8 ये लिखेंगे, और फिर क्या मिला रिजल्ट में, क्या आया, क्वीन आई, तो बी क्रॉस A8 इक्वल्स टू बराबर, क्या मिला रिजल्ट में, क्या आया, क्वीन आई इक्वल्स टू क्यू, ऐसा करके हम लिखेंगे। बी क्रॉस बी पे है ना, ये बी पे गया तो इसलिए बी, बी वाली पॉन गई क्रॉस ए, A8 पे पहुंच गई वो पॉन, A8 इक्वल्स टू, यहां इक्वल्स टू आएगा और क्यू, कैपिटल क्यू, इस नोटेशन को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, मुश्किल नहीं है, आप ऐसे नोटेशंस लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ मुहरे चलिए और इनको नोटेशंस को लिखिए, हम गेम को पूरा पूरा लिख सकते हैं, आगे हम गेम को लिख लिख कर ही देखने वाले हैं जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम करेंगे, अभी तो हम बेसिक्स सीख रहे हैं। चलिए अब हम एक खेल खेल लेते हैं, सबसे सबसे छोटी चालों से देने वाली मैट, बिल्कुल खेल, 8 मोरे इधर 8 मोरे 16 मोरे इधर 16 मोरे इधर रखे हैं, ये बैटल जमी हुई है, एक रियल गेम खेल रहे हैं। अभी तक हमने सीखा था बेसिक्स को, अब बेसिक्स का यूज कैसे करते हैं, दो दो चालों में, तीन तीन चालों में मैट कैसे कर सकते हैं, व्हाइट की मैट दो चालों में हो सकती है और ब्लैक की मैट व्हाइट तीन चालों में कर सकते हैं, ये चेस की सबसे छोटी से छोटे गेम है, सबसे छोटी मैट है, माते हैं। देखिए व्हाइट ने चला ये इस तरह से खेल, ये गलत चाल है लेकिन व्हाइट ने चल दी, तभी तो मैट होगी इसकी दो चाल में, और ये देखो राजा के सामने राजा का कोना है ना खुल गया, ये चाल चलते नहीं है हम नॉर्मली, लेकिन यहाँ व्हाइट ने चली है,
ब्लैक को लगा कि व्हाइट ने ये चाल चली है, गलत चाल चली है, तो ब्लैक क्या करेगा, राजा के सामने की पैदल को दो घर चलाएगा। वो एक अच्छा मूव है ब्लैक की तरफ से। देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है ना कि राजा का ये वाला लाइन खुल गई है, उसने वो चली दो चाल, अब क्वीन लेके इधर आ सकता है जिससे कि वो चेक दे सकता है राजा को, ठीक है, इसलिए उसने वो दो घर चली। इसने ये और दो घर चल दी पैदल। अब ये तो बिल्कुल ही खुला निमंत्रण है क्वीन को आने के लिए। अब वो क्वीन यहाँ आएगी एच चार पे और राजा को मार दे, मारने के लिए थ्रेट देगी, धमकी देगी, चेक देगी। और राजा के पास तो कोई जगह नहीं है अब चलने को। देखो राजा यहाँ से सामने नहीं जा सकता, राजा इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो मतलब और घोड़ा भी बीच में नहीं आ सकता, ऊंट बीच में नहीं आ सकता, ठीक है, तो मैट है, इसे बोलते हैं चेक मैट। व्हाइट ने कितने चाल चली, दो चाल, ब्लैक ने कितनी चली, दो चाल, और दो चाल में व्हाइट की मैट हो गई। तो ये सबसे छोटी मैट है। अब चलिए देखते हैं हम जिस प्रकार से व्हाइट की मैट हुई है क्या उसी प्रकार से ब्लैक की मैट भी हो सकती है क्या दो चालों में। तो देखते हैं कितने चालों में होती है ब्लैक की मैट। वापिस जमाते हैं इनको मोहरों को। अब चलते हैं। व्हाइट ने सही चाल चली, राजा के सामने की पैदल को दो घर आगे बढ़ाया। बीच के चारों खानों पे कब्जा करना होता है, यही सबसे चल। ब्लैक ने इधर चली, वो वही गलती की जो व्हाइट ने की थी, है ना, राजा के सामने की, राजा के इस कोने वाली पैदल को चल दिया। ब्लैक ने, व्हाइट ने सही चाल चली, क्वीन के सामने की पैदल को भी दो घर बढ़ाया बीच के चार खानों पर कब्जा करने के लिए। ब्लैक ने अब दूसरी भी ज्यादा गलत चाल चल दी, उसने जी के फाइल के पैदल को दो घर चला दिया। खुला निमंत्रण है, क्वीन कहाँ जाएगी, एच फाइव पे, क्वीन एच फाइव पे जाएगी व्हाइट वाली और राजा को मात कर देगी, चेकमेट। तीन चालों में व्हाइट की तीन चालें हुई हैं, ब्लैक ने दो चली हैं और अब ब्लैक के पास चलने को कुछ नहीं है, ब्लैक की ये मात हो गई है, मैट हो गई। तो सबसे छोटी मातें हैं, ब्लैक दो चाल चल के व्हाइट की मैट कर सकता है और व्हाइट तीन चाल चल के ब्लैक की मैट कर सकता है। ये सबसे छोटी सबसे कम चालों की मैट्स हैं। ड्रो स्टेलमेट के द्वारा, अब देखो शतरंज में केवल मात ही नहीं होती है, एक जीतता एक हारता ही नहीं है, ड्रो भी होते हैं, दोनों बराबर बराबरी पे रह जाते हैं। ड्रो रखने के चार पांच नियम है, हम इन सबको नियमों को देखते हैं। पहला नियम है स्टेलमेट, जब राजा पर कोई चेक नहीं लग रहा हो और राजा को चलने को कोई जगह नहीं हो, बल्कि उस अपोनेंट को चलने को राजा के अलावा जितने मोहरे हैं उसके बोर्ड में हैं उनमें से सब मोहरों को चलने को कोई जगह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे कहलाती है स्टेलमेट और वो ड्रॉ होती है। इस वक्त राजा को देखो कोई चेक नहीं लग रही, कहीं से कोई चेक नहीं लग रही है ना, और राजा चल भी नहीं सकता, राजा जहाँ चलेगा वहीं पर उसको मार लग रही है, तो वो ड्रॉ होगी। व्हाइट के पास चला, व्हाइट ने एक घर चला क्वीन को, अब राजा के पास चलने को जगह नहीं है तो ये स्टेलमेट हो गई, ड्रॉ हो गया। व्हाइट के पास क्वीन है फिर भी बराबरी पे खेल खत्म हो गया, ये कहलाता है स्टेलमेट। ड्रॉ बराबर, यहां पे था वजीर, वजीर को यहां आना चाहिए था, वजीर यदि यहां नहीं आता और इससे आगे आ जाता तो ब्लैक की मैट हो जाती। अब ब्लैक के पास चेक भी लग रही है और ब्लैक को चलने को कोई जगह भी नहीं है, चेक लग रही हो चलने को जगह नहीं हो तो मात। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मूव है, यहाँ व्हाइट के पास बहुत सारे मोहरे हैं और ब्लैक एक व्हाइट एक घर आगे चलते ही राजा की मात हो जाती है। इस वक्त राजा के ऊपर कोई चेक नहीं लगी हुई है ब्लैक के राजा पे, और लेकिन चलने को जगह नहीं है ब्लैक के राजा को, परंतु ब्लैक के पास में एक मोहरा और है क्वीन, है ना, और ब्लैक क्वीन को चल सकता है। तो अब बताइए आप सोचिए क्या चले, क्वीन को कहाँ चले वो, जिससे कि या वो ड्रॉ करा ले, आप बोल रहे हैं क्वीन को मरवा ले पिटवा ले, क्वीन से क्या वो घोड़े को मार के पिटवा ले, घोड़े को मारेगा तो ऊंट मार देगा ना वजीर को, लेकिन वो ऊंट से क्यों मारेगा, वो तो क्वीन को आगे बढ़ाकर अपनी राजा को मात करेगा ना, वो क्वीन को क्यों मारेगा। तो क्वीन को ऐसी जगह कुछ ऐसी चाल चलनी चाहिए जिससे कि वो वाइट को क्वीन को मारना ही पड़े, और क्वीन जैसे ही पिट जाएगी जैसे ही मर जाएगी वैसे ही ड्रॉ हो जाएगा, तो सोचिए ऐसी कौन सी चाल है, नहीं मार सकता घोड़े को, घोड़े को मारेगा तो उससे क्यों मारेगा, वो तो वजीर को आगे बढ़ा के मात करेगा ना,
पैदल भी नहीं मार सकता, पैदल को मारेगा तो पैदल से पैदल नहीं मारेगा, वो क्वीन को मारना ही नहीं है, वो तो वजीर को आगे बढ़ा के मात करेगा। तो क्या करे वो क्वीन को, सोचिए क्या चाल चल सकता है। यस वेरी एक्सीलेंट मूव, वो क्वीन से यदि इस वाले पैदल को मारता है, अब व्हाइट के राजा पे चेक आ गई है, व्हाइट के राजा को चलने को कोई जगह नहीं है, चेक है, व्हाइट की मात हो रही है, तो वो क्या करेगा, राजा से क्वीन को मार लेगा, राजा से वो क्वीन को मारेगा। ठीक है, तो अब ब्लैक की मूव आ गई, और ब्लैक के पास चलने को कोई जगह नहीं है, तो ब्लैक ने ड्रॉ करवा लिया। तो ये एक्सीलेंट मूव थी, इस प्रकार से भी हम स्टेलमेट करवा के ड्रॉ करवा सकते हैं, चाहे अगले अपोनेंट के पास कितने सारे मोहरे हों। देखो मारा, अब व्हाइट ब्लैक के पास कोई जगह नहीं है, स्टेलमेट ड्रॉ। ठीक है, चलिए अब हम ड्रॉ और कितने प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं स्टेलमेट के अलावा भी। स्टेलमेट की पोजीशन को तो आप ये पोजीशन और है, देखिए व्हाइट ने एक घर चला इधर, और आपको लग रहा हो कि ये स्टेलमेट हो गई क्योंकि ब्लैक के पास में चलने को जगह नहीं है। ठीक है, और चेक भी नहीं लग रही है, परंतु ब्लैक के पास में एक मोहरा और है, वो मोहरा कौन सा है, पैदल, उसे पैदल को चलना ही पड़ेगा, और उसको एक एक चांस और मिल जाएगा राजा को मलाने का, अपने वजीर को मलाने का। उसने यह चला, अब ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक अपने पैदल को आगे बढ़ाएगा, फोर्स मूव है, चला। अब वो उसको एक मौका और मिल गया व्हाइट को, वजीर को यहां लाके चेकमेट करने का। चेकमेट कहते हैं इसे, मैट नहीं बोलते, चेकमेट, चेकमेट, चेकमेट ही होनी चाहिए, चेक नहीं है तो मैट नहीं है। यहां देखो, यहां ब्लैक के पास क्या है चलने को, ब्लैक का मूव है यदि तो स्टेलमेट है, क्योंकि व्हाइट तो चल नहीं सकता, ब्लैक का पोन नहीं चल सकता, क्योंकि ब्लैक के पोन के सामने तो एक और पोन आ रखी है, तो वो रुकी हुई है। और इधर राजा को भी चलने को जगह नहीं है, सब जगह चेक लग रहा है, राजा जहां बैठा है वहां चेक नहीं है, तो चेकमेट तो हुई नहीं, तो इसलिए क्या हुई, स्टेलमेट हुई, और स्टेलमेट का मतलब होता है ड्रॉ। तो यहां भी खेल ड्रॉ हो गया, स्टेलमेट के द्वारा भी चेस में ड्रॉ कर लेते हैं, चाहे अपोनेंट के पास कितने सारे भारी भारी भरकम मोहरे हों, लेकिन दूसरा अपोनेंट की यदि स्टेलमेट हो गई है तो वो ड्रॉ ही कहलाएगा। स्टेलमेट की और कौन कौन सी पोजीशन बना सकते हैं आप, बना के प्रैक्टिस कीजिए, और हम अदर ड्रॉ और अन्य प्रकार से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो देखते हैं। ये देखिए, ये एक पोजीशन है, इस पोजीशन में आप देखिए ध्यान से, ब्लैक और व्हाइट ये एक दूसरी पोजीशन है। चलिए पहले हम पहले वाली पोजीशन पे दोबारा आते हैं और हम इसको देखते हैं कि ये ड्रॉ कैसे। अब देखो यहाँ पे, यहाँ व्हाइट का जो किंग है ये ब्लैक की तरफ जा ही नहीं सकता, किसी पैदल को नहीं मार सकता ब्लैक की, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है ना, इसकी कोई पैदल चल नहीं सकती, उसकी कोई पैदल चल नहीं सकती, ये जहाँ भी जाएगा व्हाइट का किंग उधर जाने के लिए जा नहीं सकता, रास्ता नहीं है। वैसे ब्लैक के किंग को भी आने के लिए रास्ता नहीं है, हर जगह व्हाइट की पैदल की चेक लग रही है। तो जब व्हाइट का किंग उधर जा नहीं सकता, ब्लैक का किंग इधर आ नहीं सकता, व्हाइट की कोई पॉन चल नहीं सकती, ब्लैक की कोई पॉन चल नहीं सकती, ये पोजीशन पूरी तरह ड्रॉ होगी, इसलिए इसको ड्रॉ कहला जाएगा। ये तीसरी पोजीशन, स्टेलमेट थी एक, वो थी जो कोई कोई जीत नहीं सकता था, एक तीसरी पोजीशन। यहां देखिए ब्लैक के पास मेटेरियल ज्यादा है ना, और व्हाइट के पास मेटेरियल कम है, परंतु फिर भी व्हाइट है ना ड्रॉ कर सकते, व्हाइट ने चेक दिया, फिर चेक दिया, फिर चेक दिया, फिर ब्लैक का किंग चला, फिर चेक दिया, इसे 3 times रिपीटेशन हो जावे मूव्स का तो वो ड्रॉ कहलाती है, उसे फोर्स ड्रॉ कहते हैं, मैं उसको ड्रॉ माननी पड़ेगी, ड्रॉ कहलाती, 3 रिपीटेशन कर दिया ड्रॉ, सेम पोजिशन बोर्ड की 3 आ गई तो वो ड्रॉ कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा भी यदि एक और तरीका होता है ड्रॉ खोकने का, ये तीसरी पोजीशन थी, चौथी पोजीशन होती है ड्रॉ की, वो होती है इस प्रकार से, जब कुछ भी नहीं हो, राजा राजा बजे अकेले अकेले, तो क्या करेंगे, ब्लैक व्हाइट की चाल है, व्हाइट क्या करेगा, क्वीन को मार दे, दोनों के पास दोनों राजा रह गए, अब राजा राजा को मात कर ही नहीं सकता, राजा राजा को ऐसे आ ही नहीं सकता किंग किंग के पास, तो ये पोजीशन भी ड्रॉ होती है, ये चौथी तरीका हुआ ड्रॉ होने का। पांचवा तरीका है कि दोनों के पास विनिंग मटेरियल तो है, रुक रुक हाथी हाथी, परंतु
वो चल कुछ नहीं रहे, चले जा रहे हैं ऐसे ऐसे। तो बिना कैप्चर किए, दोनों में दोनों तरफ के अपोनेंट है, बिना एक दूसरे के किसी भी पीस को कैप्चर किए बिना यदि 50 मूव चल लेते हैं तो वो भी स्थिति ड्रॉ की कहलाती है, राइट? तो हमने देखा किस प्रकार से हम कर सकते हैं ड्रॉ, स्टेलमेट, ये सब, है ना? ठीक है।